सदस्य श्री उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, माइक पूरे प्रदेश में आजादी के बाद से अब तक कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है जिससे युवा छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाइयां हो रही है। बुनियादी और उच्च शिक्षा चाहने वाले बच्चों को गुजरात महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे क्षेत्र के कॉलेज की एफिलिएशन कभी गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ होती है तो कभी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ। इस साल की बात करना चाहता हूँ, हमारी कॉलेजों का एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से सालों से रहा, मगर अब जब एडमिशन शुरू हुआ तब पता चला कि उनका एफिलिएशन वीर नर्मद यूनिवर्सिटी से हटाकर गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ कर दिया गया। बच्चे कन्फ्यूज़ है, करें तो क्या करें। मैं अपनी बेटी की बात करना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने 1 से 10 की पढ़ाई गुजरात बोर्ड से की, 11वीं और 12वीं CBSE से की और ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से किया और अब उनको महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी के साथ लॉ करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे कन्फ्यूज ना हो तो क्या हो। आज हम मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज चला रहे हैं, डेंटल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज सहित IIIT की कॉलेज भी हमारे प्रदेश में सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पर दुख होता है कि ये सब कॉलेजों का एफिलिएशन अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ होता है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के छात्रों के हित के लिए बुनियादी और सुलभ शिक्षा प्रदान कराने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र दमन में एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कृपा करें जिससे क्षेत्र के बच्चों के साथ धन्यवाद हो सके। धन्यवाद।